आपका पहला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। आपका दूसरा सवाल, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। आपका तीसरा सवाल, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन नंबर बी 395, ऑप्शन नंबर सी 404, ऑप्शन नंबर डी 370। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 395। आपका चौथा सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1। आपका पांचवा सवाल, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए परिसंघ, ऑप्शन नंबर बी महासंघ, ऑप्शन नंबर सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का सच। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।